प्यारे बच्चे सुप्रभात। आज वर्ग 5 विषय मुझे पाठ 13, शीर्षक का नाम है झड़झड़ झरना झड़ता। तो बच्चे आइए हम इस कविता को पढ़ें और इसके बारे में हम बताएं। इस कविता का शीर्षक है झरझर झरना झरता। कहने का मतलब है कि झरना झरझर झरता है। झरना का आवाज क्या है? झरझर। अब प्रस्तावना में इस पाठ में बताया गया है कि हमें भी झरने के समान जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चे झरने आगे की ओर ही बढ़ता है, जैसे पानी की धार को आप लोग आगे की बढ़ते हुए देखते हो, उसी तरह झरना भी आगे की तरफ ही बढ़ता है। तो हम कविता की लाइन को पढ़ते हैं। झरझर झरझर झरता झरना, आलस कभी न करता झरना, नहीं किसी से डरता झरना, प्यास सभी को हरता झरना। बच्चे झरने की झरता झरना की आवाज कैसी होती है? तो झरझर ही झरना का आवाज होता है। और झरना क्या करता है? कभी नहीं आलस करता है, वह आगे की तरफ बढ़ते ही जाता है। झरना कभी किसी से नहीं डरता है और झरना सबके प्यास को बुझाती है। तो झरना क्या क्या करता है? झरझर की आवाज करता है, आलस कभी नहीं करता, किसी से कभी नहीं डरता और सबको क्या करता है? प्यास बुझाता है। अब आगे की पंक्ति है, थककर कभी न सोता झरना, साहस खूब संजोता झरना, कभी न देखा रोता झरना, पग पग पर खुश होता झरना। अब इसका अर्थ समझिए। झरना कभी नहीं थककर सोता है, अरे झरना अपने साहस को खूब बढ़ाता है, कभी ना झरना रोता है और पग पग पर कदम कदम पर झरना खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वह न थकता है न कभी रोता है, इसलिए झरना कदम कदम पर खुश होता है। अब आगे की पंक्ति है, गीत प्रेम के गाता झरना, अपनी खुशी लुटाता झरना, तिनकों को बहलाता झरना, पर्वत को नहलाता झरना। बच्चे झरना गीत प्रेम के गाता है, और उसी में अपनी खुशी को लुटाता है, और झरना के साथ बहुत तिनके छोटे छोटे चीज बहते हैं, और पर्वत से ऊपर से जो झरना बहता है तो पर्वत को नहलाता है। अब आगे की, सूने में भी बहता झरना, भला बुरा सब सहता झरना, मन से निर्मल रहता झरना, कड़ी बात न कहता झरना। सूने का मतलब है अकेला, अकेले में भी झरना बहते रहता है। और भला बुरा का मतलब
मतलब हुआ? झरना में बहुत चीज बहते रहता है, लेकिन झरना उसको भी बहा करके आगे ले जाता है। इसलिए कहा गया है कि भला बुरा सब सहता झरना। तो झरना सब कुछ सहते हुए चलता है। मन में निर्मल रहता झरना, और झरना का जो मन है वह बहुत साफ है। वह कभी नहीं कड़वी बात कहता है। अब सबसे लास्ट में, जंगल का दर्पण है झरना, नदियों का बचपन है झरना, अपने आप मगन है झरना, धरती की धड़कन है झरना। झरना क्या है? जंगल का दर्पण, दर्पण कहते हैं आईना को। नदियों का बचपन है झरना, और नदियों का बचपन क्या है? झरना, सॉरी, नदियों का बचपन है झरना, अपने आप झरना मगन रहता है, और झरना क्या है? धरती की धड़कन भी है। प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत सारी बातें झरना के बारे में सुने। बच्चे, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें भी झरने की तरह आगे के पथ पर बढ़ते रहना है। धन्यवाद।